प्रैक्टिकली हर प्रोड्यूसर हर प्रोडक्शन हाउस से कंप्लेंट आ रही थी कि ये जो कॉस्ट है बहुत एक्सेलरेट हो रहा है और इसका कोई मतलब कोई लिमिट नहीं हो रहा है, ब्रेकिंग ऑल बैरियर्स। और प्लस उसके ऊपर गवर्नमेंट ने सर्विस टैक्स का इम्प्लीमेंट कर दिया, हर एक डिपार्टमेंट में हर एक ह्यूमन टैलेंट के ऊपर भी और हर एक क्षेत्र में सर्विस टैक्स अभी 12.5% आ गया है। तो ये प्रोड्यूसर को इतना बोझा उठाना नामुमकिन हो गया। हमें लगा कि ये हम बात करें 100 साल इंडस्ट्री के 100 ईयर्स, अगर हम अपने घर को सुधारे नहीं तो कब करेंगे, अगर अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो मैंने सोचा कि मैं हर एक टॉप एक्टर को मिलूं और उनको समझाऊं कि ये जो प्रॉब्लम है वो एक प्रोड्यूसर की सेल्फ इस्टीम के लिए, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि इतना इस तरीके से पेमेंट करना वो लाजमी नहीं है। मैं आपको एक बात खुशी से कहूँगा कि ये जो जब मैं इनको अप्रोच किया तो वो इतने पॉजिटिव थे, मेरी प्रॉब्लम्स को जो प्रोड्यूसर्स की प्रॉब्लम थी इतनी अच्छी तरह से समझे और उन्होंने 5 मिनट में हाँ कर दिया कि अगर ये प्रोड्यूसर्स की सेल्फ इस्टीम का सवाल है और ये सर्विस टैक्स का मुद्दा है तो हम प्रोड्यूसर्स के साथ खड़े हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि दे वर इन सिंक एंड दे एग्री टू एवरीथिंग विच आई सेड। पहले बहुत सारे एक्टर में बहुत सारे स्टाफ होते थे बट अभी कितने स्टाफ लिमिट हो गए अभी क्लियर नहीं होता, कितना स्टाफ ये थोड़ा वक्त लगेगा, अभी प्रोसेस चालू है। ये मुझे लगता है कि एंड ऑफ जुलाई तक पूरा फॉर्मुलेट हो जाएगा। अभी हमने मैंने सिर्फ एक्टर्स से बात की, अभी हीरोइंस को बात करनी है। कैटरीना कैफ ने एग्री कर दिया है, अभी बाकी हीरोइंस को हम अप्रोच कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि जैसे सब हीरोज ने एक यूनानिमस डिसीजन दिया इन फेवर ऑफ दिस, हीरोइंस भी पीछे हटेंगी नहीं और सपोर्ट करेंगी। जैसे कैटरीना ने हाँ कर दिया है, मुझे उम्मीद है कि बाकी हीरोइंस भी प्रोड्यूसर्स के साथ खड़ी रहेंगी। हम ये बात नहीं कर रहे इतने लोग हम अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हम बात ये कह रहे हैं कि जो भी अगर आर्टिस्ट के जो लोग हैं, जैसे वो बॉय है या ड्राइवर है या उनका ट्रेनर है या उनका डाइटिशियन है या मेकअप मैन है या हेयर ड्रेसर है, वो एक्टर की कॉस्ट पे आए। एक्टर जो भी उनको देता है वो एक लमसम प्रोड्यूसर से जब पिक्चर साइन करता है एक लमसम प्राइस ले ले ऑल इंक्लूसिव और बाकी वो पेमेंट अपने स्टाफ को खुद करे जिसके लिए उनको इनकम टैक्स पे खर्चा वो क्लेम कर सकते हैं। और उनको सर्विस टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उनके स्टाफ के लोग हैं, उनके पे रोल के लोग हैं, हमको देना पड़ता है। तो इस तरीके से हमें उस 12.5% हाइक पे हम बचते हैं और प्लस एक हमारी एक प्रोड्यूसर की एक सेल्फ इस्टीम भी रह जाती है। तो दोनों तरफों से ये अच्छा है। तो ये पहली शुरुआत है और मुझे खुशी है कि अब तक हम सपोर्ट हमें बहुत अच्छा मिला है और उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में भी ऐसा मिलता रहे ताकि इंडस्ट्री को हम एक स्वर्ग बनाएं। आप बोलो कि हर एक एक्टर टाइम पर नहीं आता, गलत बात है, ये तो गलत है सर। मगर आ जाएगा, जब एक सोच ले लिए परिवर्तन लाने की तो क्यों नहीं होगा। आस्ते आस्ते मैं ये चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि हर एक कोई चीज़ नामुमकिन है, पहले नीयत होनी चाहिए सुधार की। अगर सुधार की नीयत है तो सब कुछ हो जाएगा।